मैदान में पहाड़ के जैसा अनुभव इस वक्त हो रहा है, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं। चलिए अविनाश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से वो लगातार बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरा मौसम का मिजाज बदल गया है। अविनाश, आप कहाँ पर मौजूद हैं? आपके हाथ में भी छतरी है, बारिश वहाँ पर हो रही होगी। कितनी ठंड महसूस आप वहाँ पर कर पा रहे हैं? देखिए दीपा, अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त कोपरनिकस मार्ग पर मौजूद हूँ, जो कि इंडिया गेट को मंडी हाउस से जोड़ता है। और यहाँ तक अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो सुबह से ही बारिश हो रही है। 7 बजे के बाद से ही लगातार हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और अभी तेज बूंदाबांदी हो रही है। तापमान में अगर बात करें तो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जो न्यूनतम तापमान कल तक 7 डिग्री सेल्सियस था, आज वो 5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि आज और कल ऐसे ही मौसम बने रहेंगे, हल्की बारिश होती रहेगी और साथ में जो विजिबिलिटी है वो भी काफी लो रहेगी। एक बार आपको विजिबिलिटी दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से। अगर बात करें तो 50 मीटर की विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी काफी लो यहाँ पे है और जो वाहन है वो काफी धीमी रफ्तार से यहाँ पे चल रहे हैं और हेडलाइट्स भी जला के अपने चल रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अचानक से इस तरीके का मौसम परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अगर बात करें तो कई फ्लाइट्स को भी रिशेड्यूल किया गया है और कुछ ट्रेन जो कि अगर बात करें तो हावड़ा की तरफ से आ रही है या फिर पंजाब की तरफ से आ रही है, वो भी यहाँ पे देर से पहुंच रही है। अचानक से इस तरीके का जो मौसम परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था कि आज और कल 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं, ठंड बढ़ेगी इस दरमियान और बारिश लगातार होती रहेगी। और सुबह से यही देखने को मिल रहा है, तकरीबन 7 बजे से लगातार दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और अभी अगर बात करें तो तेज बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी 5 डिग्री सेल्सियस आज का न्यूनतम रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि आज तापमान में गिरावट के साथ साथ बारिश भी लगातार दिल्ली के अंदर होती रहेगी। बिल्कुल, जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है अविनाश, उसका सीधा सा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट भी। और पहले आपने कहा कि सुबह हल्की सी बारिश थी दिल्ली में, लेकिन अब तेज तेज से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को भी ये अपील की गई है कि आप भी जब काम ना हो तो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले।